नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द राइटर्स डेस्क। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको हमारी पिछली कहानी अच्छी लगी होगी, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी से। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले की पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको इस कहानी की आगे की पार्ट्स सही से समझ में आए। संचिता और सौरभ की लव स्टोरी पार्ट टू। वक्त बीतता गया। बीतते वक्त के साथ दो उंगलियां जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहा करती थीं, उनके बीच फासले बढ़ते गए। इन दोनों ने एक दूसरे के बिना रहना तो सीख लिया था, मगर इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। सौरभ रोज अपनी खिड़की से संचिता को स्कूल जाते हुए देखा करता था, मगर संचिता इस बात से अनजान थी कि सौरभ के दिल में अभी भी वही प्यार है जो बचपन में हुआ करता था। दो उफनते हुए लहर कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं, और अगर लहर प्यार का हो तो तूफान तो पक्का है। सौरभ की बहन संचिता के घर उससे मिलने जाया करती थी। एक दिन सौरभ अपनी बहन को बुलाने संचिता के घर चला गया। वहां दोनों के बीच कुछ बातें हुई, ज्यादा नहीं, बस हाय हेलो। मगर इस हाय हेलो ने दोनों लहरों को एक दूसरे का पता बता दिया था। अब तूफान तो जल्द ही आने वाला था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें थर्ड पार्ट की वीडियो। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई आगे भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे।